गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगक्शियान को आकर के रो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी लाइफ में शायद सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा ही ना उसके लिए पेनफुल हो रही थी। तो नवापिशियन बोलता है, वींग शांत हो जाओ, ऐसा नहीं करता बच्चा, ऐसे रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, तुम जब रोते हो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। तो विंग बोलते हैं, मैं अच्छा लगता हूँ, बुरा लगता हूँ, मैं कैसा लगता हूँ, कुछ कगो मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे इतना ज़्यादा ही घुटन हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे इस घुटन से बाहर निकलूँ। आई रियली डोंट नो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं उनके साथ गलत कर रहा हूँ, मैं जिसके साथ सबके साथ गलत कर रहा हूँ, गलत इंसान होना कका। तो नवा पे शिचन बोलते हैं, नहीं तुम गलत इंसान नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम थोड़े से कन्फ्यूज्ड हो, यही बात है और कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है ना कि हर किसी के कन्फ्यूजन का अलग अलग मतलब उपाय होता है। तुम्हारी कन्फ्यूजन का उपाय भी हम निकाल लेंगे ना, चिंता मत करो। तो नवा पे विंग बोलता है, सारी चीज़ें मैंने देखा, मैं हर वक्त इस बारे में सोचता रहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई आंसर नहीं होता है काका। मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, आई रियली डोंट नो, आई एम रियली फीलिंग सफोकेटेड राइट नाउ। तो ना बोलते काम डाउन। तो ना वहाँ पे शिचन्ना याली को मैसेज करते हैं और बोलते कि मैं विंग को लेके घर जा रहा हूँ, तुम सबको लेके शॉपिंग ख़त्म करके आ जाना। तो याली ना समझ आती है, अगर शिचन ये बोल रहा है तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा अनयूजल है। तो याली बोलते ओके, डू व्हाट यू वांट टू डू, मैं सारा काम ख़त्म करके फिर तुम्हारे पास आता हूँ। तो ना शिचन बोलते ओके। तो विंग को लेके वहाँ से चला जाता है और दूर से लान वांग जी ये सारी चीज़ें देख रहा था, वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पता है कि उसके लिए ये विंग ये सारी चीज़ें कर रहा है। वो कंफ्यूज हो गया, विंग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, विंग को क्या फील करना चाहिए, क्या फील करना नहीं चाहिए, ये लैंसन डिसाइड कर रहा है अभी। और लैंसन को पता है कि विंग के लिए वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। विंग अभी बिल्कुल भी कोई भी रिक्स लेना नहीं चाहता। विंग की हर एक चीज़ को लैंसन बहुत अच्छे से मतलब कर रहा है। दोनों विंग ना एक गहरी सी सांस लेके लैंसन को फ़ोन करता है। तो लैंसन ना फ़ोन उठा भी लेता है क्योंकि विंग बहुत पेल दिख रहा था, विंग की तबीयत शायद ख़राब हो गई है। तो ना विंग जब फ़ोन करता है और लैंसन फ़ोन उठाता है तो ना विंग बोलता है, तुम कौन हो। तो ना लैंसन बोलता है, क्यों क्यों चाहिए। तो बोलता है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, तुम मुझे दर्द में देख के खुश हो रहे होगे ना। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, नहीं मैं तुम्हें दर्द में देख के क्यों खुश होऊंगा, मैं तुम्हें खुश देखने में से खुश होता हूँ, जब तुम्हें दुखी देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। मैं नहीं जानता कि हर चीज़ क्या है, तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में यही सोचता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बारे रह नहीं सकता, आई कैन स्टे अवे फॉर यू, इसीलिए तुम्हारे पास हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं शादी तय हो गई है मेरी, क्या तुम दूर है, क्या तुम चाहते हो शादी करना, क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। तो ना वहाँ पे विंग ना अपना सर नीचे करता है और रोने लगता है और बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करने के लिए उस इंसान को महसूस करना पड़ता है और मैंने तुम्हें महसूस नहीं किया है, तुम्हें देखा तक नहीं, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं है।
तो ना वहाँ पे लेसन बोला है, प्यार करने के लिए देखना ज़रूरी नहीं है, वो उसे फील करना ज़रूरी है। तुमने मुझे फील किया है वी, यू जस्ट फील मी। तो बोलता है नो आई एम नॉट फील यू, मैं नहीं करता। दोनों वहाँ पे विंग ने फ़ोन काट देता है और रोने लगता है, अपना चेहरा पिलो में रख के, और बोलता है क्यों, वाई वाई, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, तुम कौन हो। तो ऐसे ऐसे करके ना विंग ना एकदम ही उस बीमार पड़ जाता है। विंग ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था, विंग की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही खराब हो रही थी। विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों को सोच रहा था ना, इसीलिए विंग का तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रहा था, वो पील हो रहा था। और उसकी फैमिली सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी, खास करके उसकी मॉम। उसके डैड तो ऑफिस चले जाते थे तो ज़्यादा मिलना नहीं हो पा रहा था विंग से, लेकिन मैडम यू ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी। मैडम यू समझ नहीं पा रही थी कि उनका बेटा क्या हुआ, उनके बेटे को जो उनका बेटा ऐसे फील कर रहा है, वो ना बिल्कुल भी सर मतलब ऐसा नहीं था कि विंग को वो अपने से अलग कर दे या फिर विंग को हर्ट करने के लिए, मतलब विंग हर्ट होता रहे और वो अपने आप का बारे में सोचे, वो ऐसी माँ नहीं थी। तो ना एक दिन विंग ना अपने रूम में सोया हुआ था, अपने सर को अपने पिलो में रख के और सोच रहा था। तो वहाँ पे ना मैडम यू आती है और विंग के पास आती है, उसे बिठाती है, उसे जूस पिलाती है। पिलाने के बाद उसका मतलब चेहरा पकड़ती है और बोलती है तुम उसे डैड को पसंद नहीं करते। तो विंग ना अपना सर नीचे कर लेता है, तो उसकी माँ उसे ऊपर के तरफ दिखा के बोलती है बोलो मुझे पसंद नहीं करते। तो विंग ना अपनी मोम को हक करके रोने लगता है और बोलता है नो मोम, आई रियली डोंट लाइक हर, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं उन्हें पसंद भी नहीं करता, और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उनसे हेट करता हूँ, मैं उनसे हेट भी नहीं करता, पसंद भी नहीं, हेट भी नहीं, आई डोंट नो हाउ टू फील हिम। जब भी उनसे बात करता हूँ तो मुझे स्ट्रेंज वाली फीलिंग आती है, मैं नहीं जानता मैं क्या करूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना अपनी मोम को हक करके रोने लगता है। तो ना वहाँ पे मैडम यू समझ जाते हैं कि उनका बच्चा किसी और से प्यार करने लगा है ऑलरेडी, और ये गधा वो समझ नहीं पा रहा है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं ओके धन, तुम पसंद नहीं करते, मैं मान दिया, किसे पसंद करते हो। तो विंग अपने सर नीचे करके बोलता है पता नहीं। तो ऐसे बोल के ओके तुम पता नहीं, कन्फ्यूज्ड हो। तो विंग बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं तो ये कंफर्म है तुम डरन से प्यार नहीं करते और ना कभी कर पाओगे। तो विंग ने अपना सर हाँ में लगाता है। तो उसकी माँ उसके फॉरहेड पे किस करके बोलती है तो इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए तुम अपने आप को ऐसे तकलीफ दे रहे हो, ऐसे बीमार पड़ गए हो, क्यों विंग, तुम्हें क्या अपनी मॉम के ऊपर यकीन नहीं है। तो विंग बोलता है ऐसी बात नहीं है मदर, मैं जस्ट थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो बोलता है इट्स ओके, ये नॉर्मल है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या करना है, ये सारी चीज़ें लेट गो करने नहीं होती है विंग, तुम्हें पता है ना कि तुम अपनी मदर फादर की जब से छोटे बेटे हो तुमसे बहुत प्यार करते हैं हम, तुम्हारे बगैर हम नहीं रह सकते, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ के लिए सारी चीज़ें करना ये सही नहीं है, और तुम अगर हमें नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर पता ही नहीं होगा तो हम हमारे बेटे का दिल कैसे रखेंगे। तो नवीन ना अपनी माँ को बताओगे नहीं तो उसकी तुम्हारी मम्मा करेगी कैसे तुम्हारा हेल्प। हाँ तो विंग बोलता है सॉरी माफ़ कर दो। दोनों वहाँ पे बोलता है इस ओके कोई बात नहीं। दोनों वहाँ पे विंग ना लहसन मतलब वो अपनी माम से बातें करके उसकी माँ के खिला के वो चली जाती है। फिर जब चैंग फैमिली आते हैं तो मैडम वो सारी चीज़ें बताती है कि विंग ने उससे क्या कहा क्या नहीं कहा,
और विंग की तबीयत ऐसे ख़राब हो रही है, वो नहीं चाहती कि उनका बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए। तो वहाँ पे चेंग फेमिया विंग के रूम में जाते, तो विंग वहाँ पे बैठा हुआ था और फ़ोन पे मतलब असाइनमेंट्स की कॉपी देख देख के वो कॉपी कर रहा था। दोनों वहाँ पे देखता है, सच में मेरा मास्टर चेंग फेमिया देखते हैं कि हाँ उनका छोटा बेटा अभी सो गया है और ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ना वहाँ पे चेंग फेमिया जाते हैं विंग की तरफ, विंग के बेड पे बैठते हैं और बैठने के बाद बोलते हैं क्या हुआ। तो विंग अपना सर नीचे कर लेते हैं अपने फादर को देख के, उसे पता है कि उसकी मदर ये सारी चीज़ें उसके फादर को बता चुकी है। तो ना उसका फादर उसको उठाता है और बिठाता है और बोलता है तुम्हें पता है ना, तुम हमसे कुछ भी कह सकते हो, तुम्हें शादी नहीं करनी है ना। तो नवीन अपना सर नीचे कर लेता है और बोलता है सॉरी फादर, मैंने आपको डिसअपॉइंट कर रहा। तो बोलते नहीं, तुमने कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है, तो ऐसा बोलना बंद करो। तुम्हें पता है ना कि तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ, यू आर द वन, कि मैं तुम्हारे साथ हर चीज़ शेयर कर सकता हूँ, मेरी हर प्रॉब्लम मैंने तुमसे शेयर की है नवीन। तो विंग बोलता है यस डैड। तो बोलता है तो फिर तुम अपना दिल मेरे सामने क्यों नहीं खोल रहे थे। तो विंग बोलता है मुझे डर लग गया था डैड, मुझे लगा था आप मुझसे नाराज़ हो जाओगे, कि आप मुझे बोलोगे कि मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं नहीं चाहता था कि आप मुझसे डिसअपॉइंटेड हो, आई रियली डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट यू। तो बोलते सुखे ऐसा नहीं है कि मैं ही चाहता था यहाँ पे ही तुम्हारी शादी हो, मैंने बोला था ना कि तुम्हारा मर्जी सबसे पहले होगा। हाँ टरन अच्छा लड़का है, हमें पसंद था, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए वो ही एकदम 100% श्योर है, नहीं उसमें भी कमियाँ हैं, जैसे तुम्हारे दिल ने उसके दिल को एक्सेप्ट नहीं किया। तो कोई बात नहीं, तो हम और बहुत सारे अल्फाज हैं उनको भी देखेंगे, तो कोई बात नहीं। तो नवीन अपने डैड को हक करके रोते हुए बोलते हैं आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ़ कर दो। तो ना वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेके बोलता है मैं जिसे पसंद करता हूँ मैं उसे जानता नहीं हूँ। तो ना वहाँ पे चेंग फेमिया विंग की तरफ देखता है और बोलता है क्या। तो बोलता है हाँ मैं जिसे पसंद करता हूँ मैं उसे जानता नहीं हूँ। तो बोलता है ये कैसा पसंद है। तो बोलता है वो विंग सब अपने डैड को बताता है। तो उसके डैड हंसने लगते हैं और बोलता है कि मेरा छोटा बेटा भी पागल है, शायद उसका उसका लाइफ पार्टनर भी शायद पागल ही निकलेगा। ऐसे हंसते हंसते वो ना वहाँ से निकल जाते हैं। तो विंग बोलता है डैड इट वॉज नॉट फेयर, आप मुझे पागल नहीं बोल सकते। तो ना ऐसा बोल के विंग बुलाता है। तो ना वहाँ पे विंग को एक मैसेज आता है। तो ना विंग उस मैसेज को पढ़ के बोलता है तुम भी पागल हो, तुम भी बुरे हो, तुमने भी मुझे पागल बोला। तो ना वहाँ पे मैं वी लाइन्स एन यू फो मतलब मैसेज किया था विंग को कि बोलना डैड को कि हाँ उनके बेटे के साथ साथ उनका दामाद भी पागल है उनके बेटे के प्यार में। तो विंग ने बोला तुम बहुत बुरे हो, तुमने भी मुझे पागल बोला, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ, तुम अपना दिमाग को तो तुम दोहराओ मत, तुम बहुत बुरे हो। ऐसा बोल के विंग ना मतलब लिख के फ़ोन रख देते हैं और विंग पार्टी भी लिख बना के बोलते हैं एक बार मुझे मिलने दो, मैं तुम्हारे सिर फोड़ दूँगा, तुम मुझे पागल बुलाते हो, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो ना वहाँ पे और एक मैसेज आता है। तो ना वहाँ पे बोलता है अगर तुम्हारे पापा जो तुम्हें पागल बोले तो कोई बात नहीं, मैं बोलूँ तुम मेरा सर फोड़ दोगे ये बात गलत है। तो ना विंग बोलता है सही है, मैं तुम्हारा सर ही फोड़ दूँगा, तुम्हें सब कुछ पता कैसे चल जाता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है लैंसन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ। तो बोलता है घंटा गधे गई के चलो ऐसे मेरे पास मत आना। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ऐसे होप आपको आज की कहानी पसंद है,
पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ यार, देखा करो। देखते क्यों नहीं हो, अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करो यार कि तुम्हारी फैन फिक्शन अच्छी नहीं लग रही है। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी गाइस। आई लव यू।